प्रीवियस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के योगा सेशन चल रहा था उसी की आगे की सीरीज है, जिसमें हम आगे के जो योगा कंप्लीट नहीं हुए थे उसका सेशन आज चलाएंगे। तो मैंने आपको प्रिकॉशंस प्रीवियस वीडियोस में बता दिए थे कि कैसे क्या करना है। इसमें आपको डॉक्टर की एडवाइस ही करना है और कुछ खा पी के ही करना है, यानी कि खाली पेट नहीं करना है। अपनी बॉडी के साथ में किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करनी है, जितने रिपीटेशन आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतने ही करने हैं। तो आज का आगे का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड। आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है और कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। स्किप इसलिए नहीं करना है कि मैं जो योगा सेशन बताती हूँ, योगा पोज बताती हूँ, वहाँ पे आप अगर स्किप कर देंगे तो कौन सी चीज़ मैं बता रही हूँ और फिर आप उसको आधा नॉलेज ले पाएंगे, और आधा अधूरा नॉलेज होता है वो नुकसानदायक होता है। इसलिए वीडियो पूरा वॉच करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ऐसी वुमेन जो आपके आसपास में है उनके साथ में मेरा वीडियो शेयर करना है जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो योगा सेशन है वो है पारिव्रत जानु आसन। इसमें आपको क्या करना है, ऐसा लूप बनाना है, इस तरीके का आपको लूप बनाना है, यानी कि ये रस्सी टाइप से जो मैंने यहाँ पे गांठ लगा रखी है, या इस तरीके का आप दुपट्टे का बना सकते हो, किसी कपड़े का बना सकते हो अगर रस्सी नहीं है तो। इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से लैग करना है, एक लेग को ओपन करना है ऐसे, और एक लेग में ये लूप को डालना है। फिर जिस साइड से आपका लेग है उसी साइड से आपको हाथ से इसको पकड़ना है, और इसको पकड़ के यूं मतलब टाइट से पकड़ना है। फिर इस हाथ से आपको ऊपर ले जाते हुए सांस लेना है, और फिर 5 काउंट करें तब तक आपको होल्ड करना है, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। ऐसा आपको 5 टाइम्स करना है। अगर आप कम कर पाते हैं तो कम कीजिए, अगर आपकी ज़्यादा की कैपेसिटी है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं कर सकते कि मतलब आप थक जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। आपको झुकना है ना तो आगे झुकना है ना पीछे झुकना है, बिल्कुल आपको स्ट्रेट में आना चाहिए आपका हैंड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। 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 आपको 5 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करना, 4 टाइम्स करना, जितनी रेपिटेशन होते हैं उतने ही करने हैं। ऐसे ही अपन दूसरे लेग से करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव।
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. बिल्कुल ही आराम से करना है आपको, और जितने रेपिटेशन होते हैं उतने इजी गोइंग करना है। 5 टाइम्स होते हैं 5 टाइम्स कीजिए, 3 टाइम्स होते हैं 3 टाइम्स कीजिए। नेक्स्ट अपना पोज है वो है मालासन। मालासन में आपको कैसे बैठना है, या तो आप नीचे कोई पट्टा होता है, जैसे अपन पूजा वूजा में छोटा काम में लेते हैं, जो अपन जैसे दोनों घुटनों के बल इस तरीके से बैठते हैं, तो अपने हिप्स के लेवल का होना चाहिए, हिप्स के नीचे आ जाए, या फिर ऐसे टावल को, या फिर टाइट कोई पिल्लो हो तो उसको इस तरीके से कर लें, और फिर उसके ऊपर आपका लेवल बनाना है, इस तरीके से बैठ जाना है ताकि नीचे सपोर्ट रहे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर आपको ये जो लेग्स हैं, इन लेग्स को पूरा ओपन करना है, इस तरीके से इतना ओपन करना है, और जो आपके लेग्स हैं वो अंदर नहीं होने चाहिए, यूं होने चाहिए। तो आप देखिए लीजिए, लेग्स को यूं करना है और पैर यूं करना है, फिर आपको नमस्ते पोज बनाना है, और इस कोहनी से पैरों को पीछे धकेलना है, और बिल्कुल बीच में आना चाहिए आपका नमस्ते पोज, और फिर आपको 5 to 10 साइकिल आपको लंबी ब्रीदिंग करनी है। इसको यदि आप बिना सपोर्ट के बैठ सकते हो तो आप बैठ सकते हो, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। ये सेकंड ट्राइमेस्टर का बहुत ही अच्छा योगा पोज है, और अगर आप सपोर्ट से बैठो, कंफर्टेबल हो, तो सपोर्ट से बैठना है। थर्ड अपना आसन है वो है कैट काउ पोज। कैट काउ पोज के नाम से सभी जानते होंगे। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे ये नहीं करना है। अगर आपको जहाँ तक अनकंफर्टेबल नहीं हो और डॉक्टर की एडवाइस से सब कुछ सही है, वहाँ तक आप कर सकते हो। इसमें आपको इस तरीके से होना है, आपके पैर और हाथों दोनों की पोजीशन खुलने की एक जैसी होनी चाहिए, और इसमें आपको सांस भरते हुए फेस को ऊपर करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे करना है, जितना आप कंफर्टेबल हो सकते हैं बिल्कुल स्लोली स्लोली उतना ही करना है। बिल्कुल आराम से, यदि आप ज़्यादा टाइम कर सकते हैं, ज़्यादा रिपीटेशन कर सकते हो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। फिर फोर्थ अपना आसन है वो है ब्रिज पोज। ब्रिज पोज भी ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे। उसमें आपको क्या करना है, जैसे अपन इस तरीके से लेट जाना है, इस तरीके से लेटना है। यदि आपसे बिना सपोर्ट के नहीं होता तो आप नीचे जैसे इस पिल्लो या पट्टा, छोटा कोई बॉक्स होता है वो लगा सकते हो। आपको लेग्स को यूं ओपन करना है। लेग्स ओपन के बाद में आपको सांस भरते हुए अपना ये वाला पोर्शन है, हिप्स वाला और कमर वाला, वो ऊपर उठाना है,
कंफर्टेबली जितना उठा सकते हो, सांस छोड़ते हुए नीचे करना है। सांस लेते हुए जब आप ऊपर उठाते हो तो आपके हिप्स अंदर सिकुड़ने चाहिए, टाइटनेस आना चाहिए। सांस छोड़ते हो तो आपका जो पैल्विक एरिया है वो लूज पड़ना चाहिए, इससे आपके पैल्विक एरिया और थाइस में मजबूती आती है। बिल्कुल आराम आराम से करना है। फिर आपको करवट लेके उठना है, स्ट्रेट बिल्कुल नहीं उठना है, करवट और हाथ का सहारा लेके उठना है। ये तो थे आपके योगा पोजेज। इसमें आपको जरूरी नहीं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही करें, आप ऑल 9 मंथ्स कर सकते हैं। इसके बाद में आता है प्राणायाम। प्राणायाम में आपको क्या करना है, प्राणायाम हमारे लिए क्यों रिलीफ है। सबसे पहले तो जैसे सांस फूलता है प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा ये होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो क्या होता है वीकनेस की वजह से सांस फूलता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे अपना बेबी गर्भ में बड़ा होता है तो उसके साथ साथ हमें प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा कहीं चल रहे हैं तो सांस फूल जाएगा, फिर अपन थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं इतने में सांस फूल जाएगा। तो इसमें प्राणायाम में आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, आपको योगा पोजेस से ज़्यादा टाइम प्राणायाम को देना है, जिससे आपके बेबी को ऑक्सीजन मिलेगी, वो भी स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहोगे। इसलिए प्राणायाम में सबसे पहले अपन करेंगे चंद्रभेदन प्राणायाम। चंद्रभेदन प्राणायाम क्या होता है, आपको एक तो अपनी राइट नोस्ट्रिल होती है, एक लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है। राइट को अपन बोलते हैं सूर्य भेदन नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और लेफ्ट को अपन बोलते हैं चंद्र नाड़ी। आपको जो राइट नोस्ट्रिल है यानी कि सूर्य नाड़ी है, उसको थम से इस तरीके का पोज बनाना है और बंद करना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको यानी कि चंद्र नाड़ी से आपको सांस लेना है और छोड़ना है, फिर इसको बंद करके फिर आपको सूर्य नाड़ी से सांस लेना है और छोड़ना है। और ये जो पोज है ये इस तरीके से पोज बनाना है आपको, और ये नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, यूं होनी चाहिए आपकी फिंगर, वरना जो आपके प्राणायाम से जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो आपके मतलब नीचे जो पृथ्वी होती है वो अपनी तरफ खींच लेती है, आपको बॉडी को नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो तो गुरुत्वाकर्षण से खींचती है हर चीज़ को। तो आपको यूं ही रखना है, आपको जो एनर्जी मिले लास्ट में प्राणायाम से आपको इस तरीके से यूं करना है, ताकि आपकी पूरी बॉडी में रहे। इसलिए एक पोजिशन ऐसे बनानी है, दूसरी यूं बनानी है, और 5 2 मैं 5 ही साइकिल करूँगी, आप 10 भी कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। इसमें तो अगर आप पोजेस करके थक गए हैं तो आप नीचे बैठने में अनकंफर्टेबल होते हो, तो प्राणायाम आप बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं, गद्दे पे बैठ के कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, उसमें ब्रीथिंग का मेन रोल होता है, तो आपको ब्रीथिंग करना ओपन एरिया में। इस तरीके से 5 साइकिल करने हैं, 10 साइकिल करने हैं, आप जितना कर सकते हैं उतना करें। फिर आपको इसके बाद में आपको अपनी आईज पे, अपने फेस पे, अपने कंधों पे
इस तरीके से अपने लेग्स पे जो एनर्जी मिलती है वो आपकी बॉडी में रहे। दूसरा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। आप चंद्रभेदेन और अनुलोम विलोम दोनों सेम नहीं है। चंद्रभेदेन में तो अपन क्या कर रहे थे, सांस एक ही नाक से ले रहे थे, छोड़ रहे थे। अनुलोम विलोम में अपन क्या करेंगे, एक नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे। ये डिफरेंट है, लोग एक जैसा ही समझते हैं लेकिन एक जैसा नहीं है। इसी तरीके का पोज बनाएंगे जैसे पहले बनाया था, ऐसे ही सूर्य नाड़ी को बंद करेंगे, यानी कि राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेना है। चीजें वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सांस लीजिए, राइट से छोड़िए, फिर आपको ओम का उच्चारण करना है 3 बार। नमस्ते पोज बनाना है, और ओम का उच्चारण कैसे करना है, सीधे ओम इस तरीके से नहीं करना। ओम का उच्चारण आ से शुरू होता, आओ इस तरीके से करना है 3 बार। आईज क्लोज कीजिए, आ धीरे धीरे आंखें खोलिए। आज का सेशन अपना यही समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर किसी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।